हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है बच्चों बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल के पहले हमने आपको समझाया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें थॉमसन साहब ने केवल इतना बताया था कि जो परमाणु होता है एक गोलाकार आकृति का होता है, जिसमें समान रूप से धनावेश वितरित रहते हैं बच्चों, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं। ये केवल और केवल नॉर्मल सिद्धांत था थॉमसन द्वारा, लेकिन उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि हाँ भाई, एक परमाणु जो है गोलाकार आकृति का होता है। जैसे कोई चीज़ यदि थोड़ा बहुत बेस आपका क्लियर हो जाए, किसी से जानकारी मिल जाए, तो उसके आगे का रास्ता आप स्वयं तैयार कर लेते हैं। जैसे आपको पता हो जाए कि इतने किलोमीटर दूर मार्केट है और इस दिशा में है, तो फिर आप उस रास्ता को खुद बना लेंगे। रास्ता नहीं है, चाहे पैदल चलना पड़े, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऐसे ही ये जो बोर का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ये बोर और रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल बच्चों, वो थॉमसन के परमाणु मॉडल के ही रूपरेखा के आधार पर आगे कार्य किए। थॉमसन साहब ने केवल इतना तो कम से कम पुष्टि कर दिया कि हाँ भाई साहब, जो परमाणु है गोलाकार है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और धनावेशित कण भी है। ये चीज क्लियर कर दिया और उन्होंने बता दिया कि परमाणु उदासीन है, अर्थात इसमें जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, उसी प्रकार से धनावेशित कण भी है, यानी समान मात्रा में है। धनावेशित कण और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण दोनों है। तो इस चीज की भी पुष्टि हो गई कि हाँ भाई, ये परमाणु है, परमाणु जो है एक गोलाकार होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी है, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण है। ये हमारे जे.जे. थॉमसन ने बता दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि स्पष्ट रूप से ये नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन कहां, बस उन्होंने बताया धनावेश के बीच में गुथे रहते हैं। इसके पुष्टिकरण के लिए रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि हाँ भाई, आपका परमाणु जो है एक गोलाकार होता है, लेकिन इसका समस्त धनावेश जो होता है वो केंद्र नाभिक में होता है। ये बोला कि हाँ भाई साहब, आपका परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे जो नाभिक है वहाँ पे धनावेशित केंद्र है। इन्होंने बताया, बिल्कुल आज भी यही चल रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा नाभिक का जो आकार है बहुत छोटा होता है और थोड़ा सा परमाणु के आकार की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से जो आपका नाभिक होता है, इन्होंने धनावेशित भाग को नाभिक नाम दिया था, उसी प्रकार से बच्चों, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो हमारा धनावेशित भाग है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे चक्कर लगा रहे होंगे, वो इस धनावेशित भाग को संतुलित करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था, लेकिन उन्होंने ये पुष्टि नहीं कर सका बच्चों कि वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉनों की एक कक्षा भी होती है, एक निश्चित कक्षा होती है जिस कक्षा पर चक्कर लगाते हैं, है ना। उन्होंने कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वो स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए। अब उनकी जो व्याख्या नहीं हो पाई, तो उसके लिए हमारे बोर साहब आए, बोले भाई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से कई सारी कमियां हैं, उस कमियों को हम दूर करेंगे। वो कौन कौन सी कमियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक दो कमी कभी कभी आता है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना का मतलब यह है, जैसे हमारे रदरफोर्ड साहब आए, बोले हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर धनावेश के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब वो चक्कर लगा रहे हैं तो त्वरण उत्पन्न होगा, उससे चुंबकीय विकिरण निकलेंगी, और जब विकिरण निकलेंगी धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे वो नाभिक के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, सीधा फंडा ना। इसमें ये बोला गया था, हमारे रदरफोर्ड साहब बोले कि यहाँ पे धन आवेश है, यहीं से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना शुरू कर देता है, इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक है, ऐसे चक्कर लगाता है। लेकिन इनकी कमी पाई गई कि भाई, जब ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाते हैं, जब ये चक्कर लगाएंगे, गति करेंगे, तो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। जब त्वरण उत्पन्न होता है तो मैक्सवेल के सिद्धांत के आधार पर ये विकिरण उत्सर्जित करेंगे, और धीरे धीरे जब इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो नाभिक में आकर गिर जाएंगे, तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये चीज उनकी कमियां हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है। जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, उनके आधार पर हम व्याख्या नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर पाए। जैसे बोर साहब आए, बोले भैया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि नाभिक के चारों ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं,
उनका कोई पथ क्लियर नहीं कर पाए कि भाई दूसरे पथ में चक्कर लगाते हैं, तीसरे पथ में चक्कर लगाते हैं, चौथे पथ में चक्कर लगाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी चीज़ें व्याख्या नहीं हो पाई। अब ये सब चीज़ें भाई, कुछ चीज़ें तो ठीक है कि नाभिक में आपका धनावेशित है भाग है, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल सही है, बीच में खोखला भाग है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो नाभिक को उदासीन बनाए रखता है, बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन कुछ चीज़ों की मतलब व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर पाए, उसी को बोलते हैं रदरफोर्ड की सीमाएं। जैसे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना, परमाणु के विविध स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर पाना, जिसके लिए बोर साहब आए और सन 1913 में नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम बच्चों, आप सबको पता होगा कि हम गाँव में रहते हैं और गांव में बरसात के सीजन में यहां पर आपका लाइनमैन वगैरह ऐसा नहीं होता बच्चों कि आके आपकी लाइट को सुधारे, आपको स्वयं बनाना पड़ता है। तो वही थोड़ा सा जर्क जब लगता है ना, मतलब बरसात में जंग लग जाती है वायर में, सिल्वर में, ठीक है, और उसी कारण से लाइट हवा थोड़ा इधर उधर आया कि डिस्टर्ब होता है। ये गाँव की प्रॉब्लम बहुत होती है बच्चों, हम लोग तो मैकेनिक है नहीं, किसी को बुलाओ तो काम भी नहीं करता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो इन्वर्टर लगा है तब ऐसा हो रहा है, नहीं तो एकदम अंधेला हो जाए, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो नील्स बोर ने क्या कहा कि हाँ हाँ भाई देखो, मैं आपको पहले ही बताया कि कोई एक पहली सीढ़ी तैयार कर दिया, दूसरा कोई व्यक्ति आएगा दूसरा सीढ़ी तैयार करेगा, तीसरा व्यक्ति आएगा चौथा सीढ़ी, ऐसे भी लगातार पहले दूसरे चौथे ऐसे सीढ़ी चलता रहता है। और ये जो बोर का परमाणु मॉडल है वास्तविक रूप से अभी तक स्पष्ट रूप से हर चीज़ जगह हर जगह फॉलो होता है, तो अब इसकी बदलाव नहीं की जा रही है, ये अभी ऐसे ही है। अब कोई और आ जाए 2000 मान लो 3000 तक में, यानी 2000 मतलब 99 में, या कि मान लीजिए 2102 में 100-200 साल बाद कुछ और नई चीज़ों की खोज हो गई, हालांकि इसके आधार पर अभी सभी का कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकल आ रहा है, तो इसमें परेशान है ये नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब कहा कि हाँ भाई, रदरफोर्ड ने तो बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी एक निश्चित कक्षा होती है। तो बोले हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इनका एक निश्चित वृत्ताकार पथ होता है नाभिक के चारों ओर। यदि आपका ये नाभिक है बच्चों, तो इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है। जैसे मैं मान लो एक वृत्ताकार पथ ऐसा बना दिया, एक निश्चित वृत्ताकार पथ, थोड़ा सा यार बिना प्रकार के हम बना रहे हैं। फिर बोले भैया एक ही वृत्ताकार पथ में कंप्लीट नहीं हो जाता है, दूसरा वृत्ताकार पथ भी होता है, ठीक है। बोले दूसरे के साथ साथ तीसरा भी होता है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक, ये तीसरा भी है। और फिर बोले भाई साहब वृत्ताकार पथ है, इतने में भी इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, तो बोले और चौथा भी है, ये लो, और पांचवा भी होगा तो हो सकता है, छठा भी हो सकता है, ऐसे और कक्षा हो सकते हैं। तीनों ने कहा भाई कि सबकी एक निश्चित ऊर्जा स्तर वाले हमारे कोष हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं, जिन्हें ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ये हमारे कौन साहब आ गए, बोर साहब। बोले भाई साहब ये जो हमारा है ये के है, पहला हम इसको के मान के चलेंगे, ये जो पहला हमारा है के है, फिर दूसरा हमारा एल है, ठीक है, फिर तीसरा हमारा एम है, ठीक है बच्चों, और आपका ये चौथा हमारा एन है, के एल एम एन, मतलब कोस, कोस की संख्या, नंबर ऑफ एन बराबर एक, नंबर ऑफ एन टू, कोस की संख्या थ्री, और ये फोर। आगे चलकर क्वांटम सिद्धांत पढ़ोगे तो ये सब काम में आने वाला है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ते चलना है, समझते चलना है कि बोर भाई साहब आए, बोले यार रदरफोर्ड ने तो बताया था इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है तो घूम रहा है, कोई निश्चित कक्षा वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन बोले नाभिक के चारों ओर स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, सीधा फंडा, एक निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं जिन्हें हम कक्षा कहते हैं, इन्हीं हमारे बच्चों ऑर्बिट है, ठीक है, क्या है, ऑर्बिट है। अब इन्होंने कहा कि हर एक कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए हम इनको ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। बोर साहब आए, बोले भाई पहला नंबर तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर ही चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने कहा हाँ भैया घूमते तो हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कहाँ घूमते, लेकिन उन्होंने कहा भाई एक वृत्ताकार पथ पर ही घूमते हैं, एक वृत्ताकार पथ पर घूमते जिसे हम कक्षा कहते हैं। बोले प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा भी होती है,
प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा भी होती है, जिसे हम ऊर्जा स्तर कह सकते हैं या ऊर्जा कोष कह सकते हैं। यदि इनकी कक्षा की संख्या की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, जिसे आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया या चौथा हो गया। और यदि हम इसको कैपिटल लेटर में कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, ये आपका कैपिटल एल होगा, के एल एम और एन, इस प्रकार से इसको हम दर्शाते हैं। अब बोले भाई साहब, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, तो इसमें किसी प्रकार से ऊर्जा ना तो क्षय होती ना तो वृद्धि होती है, सही है कि नहीं भाई? रदरफोर्ड ने बोला भैया चलो निकलेगा, वृद्धि मार्ग पर गति करेगा, त्वरण में परिवर्तन होगा। जब त्वरण में परिवर्तन होगा बच्चों, वेग बदलता जाता है ना, वेग बदलेगा, लेकिन इसे एक निश्चित वेग से ही, तो वेग में इसमें बदलाव नहीं होता है, वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, तो इसमें विकिरण निकलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पंडा, ठीक है? कहीं ना कहीं मतलब एक निश्चित ऊर्जा कोष में घूमते रहते हैं, इसमें ना तो ऊर्जा की क्षय होती है और ना ही इसमें ऊर्जा का मतलब कोई एक प्रकार से वृद्धि होता है। भाई हमने कहा कि रदरफोर्ड ने बताया कि वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, हाँ हाँ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसमें वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण उत्पन्न होगा मैक्सवेल के आधार पर, जब त्वरण उत्पन्न होगा तो विकिरण निकलेंगे, विकिरण से ऊर्जा में कमी आएगी। लेकिन बोर ने कहा नहीं नहीं, एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूमते रहते हैं, उसी ऊर्जा स्तर पर, इसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ना तो ऊर्जा क्षय होती ना तो वृद्धि होती है, तो ये अनुमान ही नहीं है कि इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है। भाई पर रदरफोर्ड के आधार पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो विकिरण निकलेगा, और विकिरण निकलेगा तो ऊर्जा में कमी आएगी। लेकिन बोर साहब ने कहा नहीं नहीं, एक निश्चित ऊर्जा कोष में घूमते हैं, इनमें कोई कमी नहीं आने वाली है, ठीक है? तो ये तीन कंडीशन हो गया। बोले भाई साहब, जब ऊर्जा के समान ही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक निश्चित मान रहता है, कोणीय संवेग जो mvr होता है वो एच अपान 2π का समगुणक होता है, मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो एच अपान 2π का समगुणक होता है। जो भी कोणीय संवेग होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा, संवेग होगा एक निश्चित मान होगा, और इसके लिए बोला गया जो कोणीय संवेग है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एच अपान 2π का समगुणक होता है। अब अगले स्टेप में इन्होंने पांचवें नंबर में ये बताया कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और फिर से जब अपने मूल स्थिति में आएगा तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर देगा, ठीक है? जब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अपने पहले कोष से दूसरे कोष में जाता है, या दूसरे कोष से तीसरे कोष में जाता है, या तीसरे से चौथे में जाता है, चौथे से पांचवें में जाता है, तो बोला ये गया कि जब ये कोष में परिवर्तन करते हैं ऊर्जा स्तर में, जो भाई ऊर्जा बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम है, तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और फिर जब मतलब ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएंगे, तो क्या करेंगे, ऊर्जा अवशोषित करेंगे, और फिर से जब अपने मूल स्थिति में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर देते हैं, और यही बोर का परमाणु मॉडल हो गया, ठीक है? लिखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, प्रत्येक कक्षा के एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है, जिसे ऊर्जा स्तर ऊर्जा कोष कहते हैं, 1, 2, 3, 4 के एलिमेंट आज से व्यक्त करते हैं, ठीक है? निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोषों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो क्षय होती है बच्चों, ठीक है? चौथा नंबर था, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कुछ निश्चित मान होता है, जो कि एच अपान 2π का समगुणक होता है, mvr बराबर एच अपान 2πr, ठीक है? ये आपका हो गया। और पांचवें नंबर में आप लिखोगे बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, और पुनः जब वो वापस आता है ना ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा एक निश्चित क्वांटा को अवशोषित करती है, ऊर्जा एक निश्चित मात्रा को अवशोषित करती है और उच्च ऊर्जा स्तर पर चली जाती है, लेकिन फिर से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके अपने मूल स्थिति पर आ जाती है, ओके? इस प्रकार से आप लोग बच्चों आप लोग तैयार कर लेना, मैं ये पूरा बेसिक से लेकर चला करता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए भाई कि ये बोर का परमाणु मॉडल क्या व्याख्या कर रहा है, ठीक है? इसी के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, इसलिए आप इसे तैयार कर लेना। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे ऐप का जो न्यू वर्जन है वो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से, उसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, जो लगभग 16 MB का है बच्चों। और यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। ओके बच्चों, फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।